वेलकम टू मी सुमैथिस्ट। आज हम देखेंगे क्लास 9 का चैप्टर 4 इंट्रोडक्शन। आज हम इसका लेंगे, एक्सरसाइज हम कल से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, टू वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये सब मैं अभी आपको बताऊँ। पहले एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। एक इक्वेशन होती है वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो की फॉर्म में होती है। वेयर ए बी सी आर रियल नंबर, यहाँ पे ए बी सी क्या है, एक रियल नंबर है। ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, बी डज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है ए और बी कभी जीरो नहीं होंगे। यहाँ पे अगर जीरो होंगे तो ये पूरी टर्म ही जीरो हो जाएगी। ऐसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ए की जगह पे जीरो, तो जीरो एक्स का मतलब क्या हुआ, एक्स भी जीरो ही है, एक्स की कोई वैल्यू निकल के नहीं आएगी यहाँ से, ठीक है, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई होके तो जीरो ही हो जाएगा। एंड एक्स वाई आर वेरिएबल इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। एक्स वाई क्या है, वेरिएबल हो यहाँ पे, ए बी सी क्या हो, रियल नंबर हो, उसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है हमारा इसका, एनी पेयर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, पेयर किसके होने चाहिए, एक्स और वाई के, विच सेटिस्फाई द इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ए एक्स और वाई, एक्स और वाई की हमें ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करके जीरो ले आए, ठीक है, तो वही हमारा आंसर होगा। वेयर ए बी सी आर नॉन जीरो, ए बी सी क्या होंगे, यहाँ पे जीरो नहीं होंगे, एक्स और वाई की वैल्यू हम कुछ भी रखें, और हमारा इनका कहने का मतलब ये है एक्स और वाई की हम कोई भी वैल्यू रखें और हमारा इक्वल टू में जीरो आ जाना चाहिए। यहाँ पे ए बी सी जीरो नहीं होंगे, फिर हमें बताना है कि जी कैसे होगा, ठीक है। दो सेकेंड पॉइंट हो गया, अब देखते हैं हम हमारा थर्ड पॉइंट। अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज मैनी सॉल्यूशन। अब जी मैनी सॉल्यूशन क्या होता है, काफ़ी सारे सॉल्यूशन, इन्फिनिटी सॉल्यूशन, यहाँ पे मैंने लिखा है इज कॉल्ड इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, समझ में नहीं आया थोड़ा, कि इन्फिनिटी कैसे होता है, आपको पता हो तो बताइए कमेंट में नीचे। इन्फिनिटी सॉल्यूशन का मतलब अभी मैं आपको इक्वेशन के थ्रू समझाऊंगा। सारी जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है सबको मैं डिटेल में एक एक करके बताऊंगा अभी, ठीक है। तो अभी आप देखिए लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, जहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया है। इस शॉर्ट में आप देख लीजिए, ए कॉमा बी कॉमा सी इक्वल टू क्या, कॉन्स्टेंट। यहाँ पे डिग्री कितनी होनी चाहिए, एक्स की डिग्री पावर देखो कितनी है, वन है, तो यहाँ पे डिग्री कितनी होगी, वन होगी। वेरिएबल क्या है हमारे, एक्स और वाई हैं जो मैंने अभी आपको बताए थे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इसमें थोड़ा डिफरेंस देख लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लीनियर इक्वेशन में। लीनियर इक्वेशन में एक्स और वाई की फॉर्म में होंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होगा, यहाँ पे पावर हमारी टू होगी, ठीक है। लीनियर में पावर वन, क्वाड्रेटिक में पावर टू, ठीक है। यहाँ पे देखिए डिग्री कितनी है, टू। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, सॉल्व दिस केस ए टू बी टू सी टू, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह हमें दे दिया गया है, लेकिन है ये लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इनमें वेरिएबल की पावर वन है। हमें यहाँ पे देख क्वाड्रेटिक के नीचे भले ही लिखा है, लेकिन है लीनियर क्योंकि पावर वन है, तो हमें उस पर फोकस करना है। अब मैंने अभी आपको बताया था इन्फिनिटी, न्यू सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, काफ़ी चीज़ें होती हैं इसमें लीनियर इक्वेशन में कन्फ्यूज करने वाली। अब देखो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 18 में लिखो, और सेकंड इक्वेशन लिखो 2x प्लस 2y इक्वल टू 36। मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में 2 का ही तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या है, दोनों इक्वेशन सेम है ना। और एक एक पेंसिल के ऊपर अगर मैं दूसरी पेंसिल रखता हूँ तो देखो मुझे साइज तो सेम ही मिल रहा है ना, सेम है, मतलब एक लाइन के ऊपर अगर मैं दूसरी लाइन रख दूँ, भले ही वो बड़ी है कुछ भी है, लेकिन उसकी एक ही आपको दिखेगी ना, एक ही दिखेगी, तो इन्फिनिटी एक लाइन पे दूसरी लाइन हम चलाएंगे। ऐसे हमने लाइन खींची एक लाइन, इसी के ऊपर हमने सेकंड लाइन खींच दी, तो देखो एक लाइन को जो कितनी बार कट कर रही है, मैनी टाइम्स कट कर रही है, तो इन्फिनिटी पॉइंट्स यहाँ पे मिलेंगे, जितने पॉइंट मिलेंगे उतने आंसर होंगे। आप ये देखिए एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन कैसे खींच रहे हैं, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन खींचेंगे क्या, हमें पहली वाली लाइन दिखेगी, नहीं दिखेगी, तो क्या कर रही हैं, एक दूसरे को कट कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैनी सॉल्यूशन, यहाँ पे अब मैं देख सेकंड पॉइंट देखिए, 2x प्लस 2y इक्वल टू 18,
2x प्लस 2y इक्वल टू 10, और मैं यहाँ पे मुझे x और y की वैल्यू रखनी हो, और मैं यहाँ पे 1 रखूँगा तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। एक्चुअल आप ये देख के चलिए, अगर 2x और 2y का सम 18 हो रहा है तो वही जगह वही इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी कि 2x और 2y का सम 10 हो, एक जगह एक ही नाम तो होगा। ऐसा तो नहीं है आपका घर में नाम गोलू है, स्कूल में कुछ और है, तो आपके दोनों नाम सेटिस्फाई करेंगे यहाँ पे। आपके स्कूल में एक ही नाम से जाना जाएगा ना आपको, ये तो है नहीं कि गोलू स्कूल गया है और सोहन खेलने गया है, एक ही इंसान हुआ। फिर भी यही है, आगे वाली वैल्यू सेम है तो पीछे वाली भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो और यहाँ पे जो डिफरेंस दिया हुआ है तो हमारा क्या होगा, नो सॉल्यूशन, क्लियर। इस पर हमें फोकस करना है अपना। अब देखते हैं हम अपना थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 9, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। एक्स वाई का सम 9 हो सकता है, हो सकता है इसे रख लो 5, इसे रख लो 4। एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5 हो सकता है, हो सकता है क्या रखो, इसे 7 इसे 2, लेकिन यहाँ पे वैल्यू अलग अलग हो रही है। हाँ तो यहाँ पे भी 7 कर दो, यहाँ पे 2 कर दो, 7 और 2 9, 7 और 2 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। एक्स और वाई की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 7,2। तो ये हमारी होगी यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे और भी वेरिएबल्स होते हैं, वो कैसे सॉल्व करने हैं, और देखिए देखिए यूनिक सॉल्यूशन, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 दिख रहा होगा आपको। 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 हो सकता है, क्योंकि देखो अब ये दोनों टर्म मैंने कैसे लिखी हुई है, इनमें से कोई एक ही होगा, दोनों नहीं होंगे। अगर मैं यहाँ पे डिवाइड दूँ 6 का, तो देखो पर्टिकुलर वैल्यू में डिवाइड जाएगा, इसके नीचे 6, इसके नीचे 6, इससे ये 3 टाइम कटेगा, इससे ये 2 टाइम्स कटेगा। तो यहाँ पे तो हमारा जी वाला सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे वेरिएबल 3 और यहाँ पे 2 होता तो फिर हमारा जी वाला सेटिस्फाई करता। हमें ऐसी इन चीज़ों को देखना है। अब देखते हैं नॉन पैरेलल लाइंस। नॉन पैरेलल लाइन क्या होती हैं, वो यूनिक सॉल्यूशन देती हैं। अब जो देखो ये लाइन एक इधर से कट कर रही है, एक इधर से कट रही है, तो कोई एक पॉइंट पे ही तो मिलेगी। टू लाइंस अगर एक दूसरे को कट कर रही हैं तो एक पॉइंट पे मिलेंगी, एक पॉइंट पे मिलेंगी, इसका मतलब वो क्या है, यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है। पैरेलल एंड डिफरेंट, अब देखो ये दोनों लाइन पैरेलल तो हैं, लेकिन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। तो देखो जो पैरेलल है एक जैसी दिख रही हैं, लेकिन इनका सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको नहीं अभी बताई जाएंगी आपके स्कूल में। अब देखते हैं पॉइंट 3, इन्फिनिटी सॉल्यूशन एंड इंटरेक्शन लाइन। एक ही लाइन पर दूसरी लाइन जा रही है, वहाँ पे इन्फिनिटी सॉल्यूशन तो मिलेंगे। देखो एक मैंने ब्लू से टिक किया हुआ है, एक मैंने ब्लैक से टिक किया हुआ है, ब्लू और ब्लैक इसलिए किया गया जिससे आपको समझ में आ सके। ब्लू वाला ये है, ब्लैक वाली ये लाइन है, एक दूसरे पर कट कर रही है। आपको पता चला है कितने टाइम कट करें, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कितने पॉइंट, आप जितने पॉइंट में जाओगे, जितना ज़्यादा डिटेल में जाओगे उतने ज़्यादा आपको यहाँ पे पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा हुआ इन्फिनिटी सॉल्यूशन। इसके आगे हम और देखें, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। जो दो ही मैंने इक्वेशन लिखी है यहाँ पे, ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू, अगर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे आपस में तो ये होगा हमारा यूनिक सॉल्यूशन। ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू, ये दोनों इक्वल हों लेकिन सी वन अपॉन सी टू इक्वल ना हो, तो ये हमारा कैसा होगा, ये होगा हमारा नो सॉल्यूशन। इधर हो हमारा ए वन इक्वल टू ए टू बी वन इक्वल टू बी टू सी वन इक्वल टू सी टू, और ये हमारा दिया हुआ है तो ये हमारा कैसा होगा, इन्फिनिटी सॉल्यूशन। काफ़ी सारे हैं ऐसे, इसमें मैं आपको और भी बताऊँगा आगे, जैसे ही हमें नीड रहेगी करने की मैं आपको बताता रहूँगा। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, एक्सरसाइज 4.1 हम आगे स्टार्ट करते हैं।